गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर न्यू डे हियर। और मेरी गुड मॉर्निंग बहुत दर्द भरी है आज। नहीं है, है तो सही ना, बहुत दर्द भरी है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पूरी रात दर्द हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि कल जो चले हैं ना, कल जो चले उस वजह से वो दर्द हुआ है, वो पता नहीं लगा और कांस्टेंट हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके कर लेना चाहिए था, बट वो काम में नहीं मेरे को समझ आता। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में मेरे प्रॉब्लम है कि काम के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता, विच इज नॉट राइट। और एक ये निपु डागर है, इन्हें उठना ही नहीं है। उठ जा निपु, चलना नहीं है क्या निपु? गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और ये बंदा अब उठा है 10 बजे सुबह के। तेरे मुंह से जो झूठा मम्मी की कसम, अब तो मुझे पता चल गया तू झूठ बोल। ऑपोजिट कर लो, ऑपोजिट कर लो, 5 नहीं लेकिन 9 बजे। ये जनाब उठे हैं 9 बजे, मैं उठी हूँ 10 बजे। ये हो रही है हमारी मॉर्निंग, क्योंकि यार हम बहुत थक गए थे कल पे। ठीक है, सो जो आज का दिन है वो रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों के लिए, और आज करने वाले हैं हम काउ फीडिंग, जिसके लिए मैं कल भी एक्साइटेड थी पर वो कल नहीं हो पाया, तो वो आज होगा। एंड फिर आज लास्ट डे भी है यहाँ पे। आज का सबसे डिफिकल्ट टास्क ये है कि मुझे 2 बार चेंज करना है और शूट करना है, वो मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। तो उसके लिए मैं अभी आलस हो रहा है मुझे कि करूँ ना करूँ, रहने देती हूँ। लेकिन फिर वही है कि एक बार मौका चला गया तो फिर सोचते ही रहेंगे कि क्यों नहीं किया। जाने पो, अरे मैं तो उठा हुआ, अब रेडी हो, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। ये 2 मिनट वाला रेडी मत तो हुआ करो मिनट, ना 3 सेकंड में रेडी हो जाऊंगा। हेल्प मी, या श्योर यू शुड हेल्प मी, या बाबा। अरे यार वो चार्जर ढूंढ रहा हूँ, फोन चार्ज लगाना है मुझे। चूटे ओ पागल, गलती से ओ पागल है तुम्हारी। अब नहीं उठा जाएगा भाई, अब नहीं उठा जाएगा भाई 2-3 दिन तक। अरे यार उठ मोटी, मोटी उठ जा। मैं मोटी हूँ? हाँ मैं मोटी ही हूँ, ये आपकी अपकमिंग प्रोडक्ट है जो मोटा है, मैं मोटी नहीं हूँ। ठीक है, खड़ी हो जा बस, वो मान जा। चलो चेंज करते हैं। करती थी कंज्यूम जब से आई हैव कंसीव्ड, वो आई एम हैविंग फास्ट फूड। ठीक है, सिंस डे वन इट वाज लाइक आई एम नॉट क्रेविंग फॉर पर्टिकुलर थिंग, एनी पर्टिकुलर थिंग और ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इतना क्रेविंग कुछ डिफरेंट क्रेविंग्स नोटिस की है सिंस आई एम जस्ट लाइकिंग टू हैव फूड, फ्रूट्स, सॉरी जस्ट फ्रूट्स। अभी मैंने गर्भ संस्कार वाला ना इतना कुछ सीख लिया है ना, उन्होंने ये बता दिया है कि सारी हैबिट ही उल्टी है। अब मैं सोच रही हूँ कि उल्टी इसलिए है जिस बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल और वर्क। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से यही है कि लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना है, तभी सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ट्राई करूँगी मैं काफ़ी चीज़ें। और पता है क्या है, अभी कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जो आगे भी मुझे अप्लाई करनी है, तो मैं देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस आएगा, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी है मेडिटेशन सेशन, तो उसके लिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा था, उन्होंने पता है क्या बोला मुझे, क्या मेडिटेशन करो आपका दिमाग भागता है, शांत नहीं रहता। लाइक मैंने कहा हाँ मैं ओवर थिंकर हूँ, ये बात सच है, पर उन्होंने शांत दिमाग को जितना शांत रखोगे वही बेटी शांत रहेगा। तो ये शांत नहीं होने वाला मुझे नहीं लगता। तो अब क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने फेवरेट सेशन पे जो कि है उधर वहाँ पे, जिसका मैं कल से वेट कर रही थी, काउ फीडिंग। सब काउ फीडिंग करानी है, मैं बहुत सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसी चीज़ के लिए ही थी। तभी चलेंगे और उन्हें फीड कराएंगे ना, प्यारे मेरे बच्चों को, प्यारे मेरे। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाया हमने, लेकिन मैं आपको पीछे आऊँगा तो मैं दिखूँगी नहीं।
ये मेरे पीछे क्यों आ रही है, मेरी ये नहीं समझ में आ रही। क्योंकि मैं तेरे पीछे 10 साल पहले आ गई। पर हमें यहाँ पर आके मतलब सीख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, और बात करके जहाँ भी जा रहे हैं बातचीत जो हो रही है वो क्लिप हम डाल रहे हैं, बट हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। देन आप लोग भी अगर आपको कभी लगे तो आप लोग आ सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो गाय है वो इट्स अ फैमिली, एक बच्ची है, फादर मदर, मतलब कितना प्रिविलेज है कि किसी को अपने बच्चे माँ बाप के साथ रहना खूब मिल रहा है, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है ना साथ में रहने को मिले। माँ प्यार कर रही है अपने बच्चे। अच्छा वो बेटी है। और ये पापा है। हाय, ओह हेलो, आ जाएंगे एकदम से आ जाएंगे। नहीं नहीं आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ देम, पकड़ना नहीं, मुझे डर नहीं लग, नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, बहुत डर लगता है। हेलो हाय, तुम बहुत प्यारे हो, वो बोल रहे प्यारे प्यारे, छोड़ो खाने को बताओ क्या है, देखो वो खाना चाहता, खाना चाहती है। हेलो नहीं रह लेंगे ना, इनका बस चले, हाँ इनका बस चले तो यहीं पर एक कमरा बना ले अपना। मेरे को सबसे अच्छी बात पता क्या लग रही है कि वो खुले हैं, आप लोगों ने बांधा हुआ नहीं है, द बेस्ट पार्ट इज एंड देन डार फैमिली साथ में, कौन रहता है मतलब रखवाते नहीं है ना सब साथ में, दैट इज द बेस्ट। तुमको खाना नहीं है मुझे पता है, सिर्फ उसको खाना है, खा। अपनी मम्मी को बोल रही है मत खाओ इसके हाथ से, नहीं खाना है कुछ भी नहीं करानी, खुद ही ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कोई बुला लो ना, वो तो एनर्जी आ गई है, इन्होंने बोला कुछ भी कराना पसंद आ रहा है। हाँ मम्मी मैं कर दूंगी काम है। और बोली वो घर में ऐसे ही घूमते रहेगी मम्मी। मम्मी बोली बेटा मम्मी घबरा गई, मम्मी घर में गाय घुमाएगी, मैंने कहा हाँ घुमाऊंगी तो सही, बस 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 चलो चलो चलते, तो बाय बाय, टेक केयर बाबू। हाँ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जो कि है ये बंदा फिर से तैयार होके जा रहे है, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी होगी, क्लोज आओ तो थोड़ा, अभी मेरी होगी पोटली मसाज, मेरे दिमाग को ठंडा करने के लिए ऑयल मसाज, जो दिमाग पे आगे तेल देगा। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या वो बहुत टाइम तक काम करेगा? या काफी टाइम तक, जो दिमाग ठंडा रहता है वो काफी टाइम तक। तो चलो मैं आके, अरे इतना खुश है ये बंदा, मैं आके मिलता हूँ भाई, क्योंकि मुझे लेने के लिए दो लोग आ गए हैं और अभी मैं 2 घंटे की मसाज है फिर आता हूँ, तब तक के लिए इससे बात करिए। अभी हाउ हैप्पी इज, कुछ दिख ही नहीं रहा, बंदे को घूम फिर के बाय बाय। तो अब मैं यहाँ ही बैठूंगी और देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पर्टिकुलर मसाजेज हैं नहीं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट से आज विजिट की थी तो उन्होंने सारी डिटेल्स बताई, उन्होंने यू डोंट रिक्वायर्ड एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ ऑल गुड ऑल फाइन, बस इट जस्ट दैट कि थोड़ा सा स्लीपिंग साइकिल और ये सब चीज़ें और गुड हैबिट्स पार्ट अपनी लाइफ स्टाइल में लाओ, बस ये वाला सा जो सजेशन था वो मुझे मिला, और वैसे हेल्दी वेल्दी ये सब ठीक है, हेल्दी तो और न्यूट्रिशन भी ऑल गुड है सारा। तो अभी मेरा लंच आ गया, मैं लंच करूँगा, मैं थक भी गई हूँ और अब मेरे पास इतना ज़्यादा एडिटिंग का काम हो गया ना बैक टू बैक, वो कैसे कम्प्लीट होगा वो देखा जाएगा, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। अभी तक ये सिर्फ मेरे साथ ऐसे होता था कि अगर मैं कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ तो रिप्लाई आया ये क्या है, इससे क्या होता है, मुझे भी लगा दे, जो एक नॉर्मली होता है, लेकिन आज तो कुछ अलग। मैं बैठ, ओ सॉरी मैं भूल जाती हूँ मैं बैठ के, लेकिन आज तो कुछ अलग हो गया, मैं भी देख के डर गई हूँ एक बार, प्लीज इधर आ जाओ, डर लग रहा है, इधर 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 जहाँ से आपके चेहरे पे सुंदर चेहरे पे लाइट पड़े। देवी जी यथार्थ हमें ऐसा ना दिखाएं। बट यार क्या यार मस्त, क्या मस्त लग्जरी फील्स ले रहे हो आप, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या शांति चल रही है अभी मेरे मन में, मेरे दिमाग, मेरे तन में, मन में, तन मन, मतलब ये सब मुंह आया है। अच्छा ओके,
भगवान का नाम लेना है देवी। हे माता हमें फ्रूट्स खाने देते हैं सर, आप सर्व करते हैं आपको एक प्लेट दीजिएगा। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब यू आर एंजॉयिंग ना, टू मच एंजॉयिंग आज तो जो माता और क्या चाहिए, ऑयल गिरा है ना। ओहो माय गॉड। और फिर ये लगा के और जो उन्होंने ये मसाज और सुकून भरी जिंदगी का जो एहसास है ना वो ये इंसान ले रहा है, आप समझ रहे हो। दो दिन से इज लिविंग हिज लाइफ मस्त वाला एकदम। देवी अब जो निपुण निकल के आएगा वो कुछ अलग ही होगा, डॉक्टर साहब बदल चुके हैं, शांत हो गए हैं। क्या शांत भी हो गए हैं आप, गुस्सा कंट्रोल और ये सब हुआ है कुछ? बस बस सब देखते हैं तो घर जाके असर एक सेकंड में आता है। अगर ये ऐसा है ना मैं आपकी डेली थेरेपी करवाऊंगी यहाँ पे। डेली थेरेपी करा, खाना खा लिया जाए? खा लिया जाए, आपके लिए खाना रखा है स्पेशली, आप खाइए प्लीज। मैं इतनी एक्साइटमेंट से पूछ रही हूँ ना कि यार बताओ क्या क्या किया उन्होंने, कैसे कैसे किया, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। मुझे देख के निपुण को इतना अच्छा फील हो रहा है कि हाँ यार कितना रिलैक्सिंग फील हो रहा होगा इस बंदे को। क्या क्या किया फिर उन्होंने? तो मतलब सबसे पहले पूरी बॉडी मसाज, ओए होए, उसके बाद फेस मसाज, फिर फेस क्लीन करके फेस पैक और सर पे जो मटके से कुछ ऐसा गिर रहा होगा ना उसको कोई बोलते हैं कुछ एक, उसको मुझे पता नहीं है बट वो भी एक थेरेपी होती है। बट क्या बात है माता मैं धार्मिक उसमें चला गया हूँ, अभी दो तीन दिन लगे। तो तानिया का फुट मसाज होता हुआ अच्छा लगे कल ज्यादा थी, कल क्योंकि ज्यादा चले ना, ज्यादा काम किया तो इस वजह से। ओके तो अभी हम लोग बस जाने की तैयारी कर रहे हैं, डे यहाँ पे जो टू डेज रहे बहुत अच्छे रहे एंड इनके साथ तो बहुत ज्यादा अच्छे रहे, लाइक फैमिली लाइक रिलेशनशिप बन गया। शी इज सो स्वीट, इन्हें इनकी क्वालिटी बनती इन्हें घर नहीं जाना, इन्हें आई थिंक मैं भी आपके किसी को बोल नहीं जाऊंगी घर जाने का कोई शौक नहीं। दो प्यारी प्यारी डॉटर है इनकी, पढ़ी हर्षी में और कितना काम कर लूँ। और मुझे एडवाइस दी है कि प्लीज टेक रेस्ट, प्लीज काम करो, ये अंदर होते हमारे नेचर में है, हम हेल्प नहीं कर सकते। बट रियली इट वाज ग्रेट मीटिंग, थैंक यू सो मच, वी आर सो यू नो हैप्पी टू वर्क विद यू राइट, एंड हम चाहेंगे आपका ये सफर जो आगे और बेहतर आगे और आप हेल्दी से इसको कंप्लीट करिए राइट। और बेस्ट विशेस आर देयर विद यू, और फिर छोटा सा चुम्मन छोटा सा बेबी करके फिर से मिले राइट, फिर से एक बहुत ही बहुत अच्छी बेबी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस इज सो गिफ्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कर लिया है चेंज और अब है बारी योगा की, दिस इज द लास्ट सेशन फॉर द डे एंड उसके बाद फिर शायद एंड अप जाएगा है ना। हाँ बस डिनर एंड फिनिश। हेलो अंकल कैसे हैं आप? गुरु जी अभी गुरु जी बोलेंगे, वैसे हम ही हैं सेशन के लिए। सेशन हमारा 7 to 8 स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है, तो अभी हम ही कर लेते हैं, हमारा स्पेशल सेशन है फिर। वाओ मैं ऐसे बैठ सकती हूँ? डिफिकल्ट होता है ना ऐसे बैठना, तो मैं बैठ पाती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं डे वन से, ये रूटीन रखा है ऐसे नीचे बैठ के खाने का, तो हेल्प कर रहा है वो चीज़ मुझे। तो जैसे कि आज था हमारा लास्ट डे यहाँ पे, हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पे थे। वैसे हमारा चेकआउट कल सुबह मॉर्निंग में है लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मन हो रहा है घर जाने का जल्दी, बस ऐसे ही। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। एंड सिम्बू की भी याद आ रही है क्योंकि वो अकेला है और उसका ना कल वॉमिटिंग भी हुई, तो मम्मी ने बताया, मम्मी से वीडियो कॉल की थी, सारा उनको दिखाया विखाया सारी चीज़, तो फिर मम्मी ने बोला कि उसने वॉमिटिंग भी की थी। और वो गधा है पता है, वो ना उसके साथ इतना डर लगता है ना, आज भी वो कहाँ भाग गया था, कहीं दूर भाग गया घर से निकल के, एक्चुअली गेट खुला रह जाता है ना तो वो भाग जाता है, उसके साथ बहुत सिक्योरिटी चाहिए। बेला बहुत समझदार थी और ये
घधू है, घधू एक नंबर का। तो अभी उसको जा करके ना थोड़ा सा उसको डांटूंगी कि क्या भागता क्यों है तू, गधे तू भी खो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो ये था यहाँ पे 2 दिन का एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। एंड इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी डे वन पे ही कि वी वर इनवाइटेड हियर, दीज ऑल फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड बाय महर्षि आयुर्वेदा। सो आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा मेरे साथ साथ, कुछ नई चीज देखी होगी, गेन किया होगा कि हाँ ये भी चीज़ हो रही है, क्योंकि मैंने खुद भी नई चीज़ का एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और ऐसे ही आगे शेयर भी करती रहूँगी। एंड निपुन को मिला है हर्बल टी किट टी, और मुझे क्या मिला है हर्बल ब्यूटी किट, ब्यूटी किट, ये ज़्यादा अच्छा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें रोज़ वाटर हो, क्योंकि मैं रोज़ वाटर डेली अप्लाई करती हूँ, तो वो होना चाहिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा घर का व्लॉग, या देखते हैं कब का व्लॉग होगा जो मैं नेक्स्ट शूट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है मुझे अपलोड करने के लिए, तो एडिटिंग विल टेक टाइम डेफिनेटली। एंड काफ़ी सारे चेंजेस मैं अपनी उसमें हैबिट में लाऊंगी, और अगर लाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी, आप लोग भी अपनी हैबिट्स में लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज लाने की कोशिश करना। पहले मैं ट्राई कर लूँगी इफेक्ट उससे क्या पड़ता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर आप लोग कर लेना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय। वैसे तो ये व्लॉग मैंने एंड कर ही दिया था, लेकिन मुझे लगा ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए था, एक छोटी सी क्लिप इसकी रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम पिछले 3 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं भाई, और गाड़ी है जो चलने का नाम नहीं है, बारिश इतनी हो रही है और रोडों पे पानी भर गया है इतना ज्यादा, रोडों पे, हाँ रोडों पे, क्योंकि सारी जगह हो रही है, जहाँ जिससे कनेक्ट कर लो वहीं पता लग रहा है कि वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। पिछले 15-20 मिनट से तो 1 इंच भी नहीं चली है गाड़ी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाए की, और ऐसे बैठे बैठे क्या क्या परेशानी होती है, मतलब बता नहीं सकते बस। और ऐसे बैठे बैठे इतना इरिटेशन हो रहा है ना, मतलब इतना ज्यादा देर बैठा जाता है नहीं मुझसे, इरिटेट हो रही हूँ, मतलब ना इरिटेटिंग लग रहा है। अरे मैं खुद ऐसा मन कर रहा है मार दूँ, मारो मार मेरे को, मारो मारो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी भरा हुआ है, ऐसे नहीं बाहर निकाल, बाहर से दिखाती हूँ, ठीक है। देखो एक सेकेंड में कैसे हो गया, दिमाग खराब कर दिया इसने गाड़ी में। अरे सुबह सुबह आपकी बेटी उठेगी, अच्छा जी आओ मत, अरे भाई निपुण डागर को सजेशन दिया था मैंने, मैंने बोला था कि 8:30 बजे या 9 बजे मत निकलो, या तो 10:30-11 बजे निकलना कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उतना रश नहीं मिलेगा, नहीं 8:30 ही जाऊंगा, 8:30 ही जाऊंगा, ये बंदा टिक ही नहीं सकता कहीं पे। कभी अभी इतनी बारिश में पता इसने क्या बोला, मुझे भुट्टा खाना है। नहीं इसकी मैं वैसे बोलना तो कुछ और चाह रहा हूँ, समझ जाओ, पर इनडायरेक्टली इसके पापा ने खोला है क्या भुट्टे की दुकान। ना ना इनडायरेक्टली ये बोल रहा था, तेरी माँ के लोग ने भुट्टे की दुकान खोल रखी है। वो इनडायरेक्टली वो बुरा मैसेज है, पर बात तो वही ना, तेरा बाप खोलने बैठा है यहाँ भुट्टे की दुकान, समझो ये समझाओ। बारिश मैंने में ये नहीं बोला, मेरे को मैं इरिटेट हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बस ऐसे कुछ कुछ भी बोला हंसाने के लिए। अभी तक ठीक था, अब मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गड्ढे गुड्ढे और इतने लेवल पे पानी भर गया है कि आई सब, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। ये लोग उल्टे क्यों आ रहे हैं, इनको ही समझना चाहिए ना ये सब गलत है। आराम से आराम से आराम से, मैंने तो बोल दिया इतनी अच्छी बात समझाई, और इन्होंने क्या बोला मुझे, यार ये जो ये खतरा है ना, देखो सबसे मेन बलवान 3 ही चीजें हैं, जल, अग्नि और वायु। और मैंने बोला हे देवी असली खतरा अभी तेल का है, जब गाड़ी में तेल खत्म हो गया ना, तो ना इधर के रहेंगे और ना उधर के, तो इस खतरे को, हर चीज मजाक वाली बात नहीं होती है, सबसे 3 मेन चीजें हैं जल, अग्नि, वायु, जब प्रलय आती है ना तो ये 3 चीजों से ही आती है, पता है आपको।
भाई बारिश इतनी तेज, लोड इस धरती में इतने इतना, लोग दुनिया और ये रॉन्ग वे पे आ रहे हैं लोग, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे जाकर उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।